देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचडी न्यूज़। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज़। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज़। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज़। हर मंगलवार को इंदौर के कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई का आयोजन होता है। इस जनसुनवाई की खास बात यह है कि इसमें पूरे समय कलेक्टर इलैयाराजा टी स्वयं मौजूद रहकर जनता की समस्याओं का निराकरण करते हैं। जनसुनवाई में तरह तरह के मामले आते हैं। इस बार जनसुनवाई में इंदौर के नंदलालपुरा किन्नर मठ में रहने वाले किन्नर भी पहुंचे और उन्होंने कलेक्टर इलैयाराजा टी से कतिपय नकली किन्नरों की शिकायत करते हुए कहा कि ऐसे लोग समाज में किन्नरों के सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं। यह लोग जनता के बीच में जाकर व्यर्थ दादागिरी करते हैं और अभी ग्रुप से पैसा वसूलते हैं। ऐसा ही एक मामला विजयनगर थाना क्षेत्र का भी सामने आया था, जहां पर रहवासियों की शिकायत पर हमने नकली किन्नरों को थाने पहुंचाया था। जनसुनवाई में शिकायत करने पहुंची खुशबू किन्नर ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला प्रशासन के द्वारा आए दिन नए किन्नरों को मठ में रहने की अनुमति दी जाती है, इसलिए हम कलेक्टर से निवेदन करने आए थे। पहले उनके सारे दस्तावेजों की जांच करें और असली किन्नर को ही मठ में रहने के लिए भेजें। नकली किन्नर शहर में आतंक फैला रहे हैं, इसलिए नकली किन्नरों पर बैन लगाया जाए और उन पर कार्रवाई की जाए। समस्या थी कि कलेक्टर साहब जो सभी टिकट दे रहे हैं तो वो जांच करके दिए जाए। जो किन्नर मठ में रहते हैं, जो सही किन्नर है, मानने में जो किन्नर जिनको मान्यता है उन्हीं को दी जाए। अब राह चलता कोई आदमी व्यक्ति है ना, उसे ना दी जाए। क्यों? क्यों कल को कोई भी डॉक्टर का लिखा के ला के दे रहा, आप उसको दे दे रहे हो। कल यही आतंक मचेगा शहर के अंदर, तो इसका जिम्मेदार कौन है? आज बरसों से आतंक होते आ रहा, असली और नकली का बरसों से आतंक होते आ रहा। हम निपटते आ रहे, शासन के साथ चलते आ रहे, अब कब तक हम निपटेंगे? कब तक, कहाँ तक जाएगा ये बवाल? हैं, तो इनको समझना नहीं चाहिए कि आतंक कहाँ तक होगा, कि दुविधा कितनी बढ़ेगी, शहरवासियों के लिए भी दिक्कत पैदा होगी, नहीं होगी। हम जाएंगे और नकली पीछे से जाएंगे, हम पहुँचेंगे नहीं और नकली पहुँच जाएंगे, वहाँ आतंक बढ़ेगा। ये आतंक तो बचेगा और क्या होगा? लगातार नकली किन्नर बन के लोग आतंक मचा रहे हैं, तो इनकी तो ये दुविधा दूर करना चाहिए, तो दुविधा बढ़ा रहे हैं कलेक्टर साहब। अभी आप कलेक्टर साहब से मिले थे, जिसमें ट्रांसजेंडर की बात हुई थी कि वो किसी संस्था में रख रहे हैं और आप लोगों को भी रखा है, तो क्या कारण है कि आप लोग उनका भी विरोध कर रहे हैं? हम विरोध नहीं कर रहे, हम सही और सच को सामने ला रहे हैं। जो सच्चाई है उसको देखो, हम ये नहीं कह रहे कि उसका विरोध करेंगे। जो सच है उसको तो देखो, एक बच्चा फैमिली में पाल के बड़ा हो रहा है, लिख रहा, पढ़ रहा है, उसको जॉब करनी चाहिए, ना कि वो इसी सब चीज़ों में घुसना चाहिए। हम तो राम राज्य से लोग चले आ रहे हैं, हम वही लोग हैं। आज हमारी सदियां बीत गई, हमारी पीढ़ियां गुजर गई, पीढ़ियों की पीढ़ियां आज नंदलालपुरे में गुजर गई, कहें कितनी पीढ़ियां हो गई। आज हमको तो देखो, राह चलता है तुम उसको दे दोगे, कल ये आके आतंक करेगा शहर में, तो कौन इसका जिम्मेदार है? पब्लिक से क्या अपील करोगे? पब्लिक से ये अपील करेंगे कि पब्लिक भी जाने बूझे जिनके घर बरसों से आ रहे हैं, उन्हें ही दे, उन्हें ही समझे। आज सालों से, सदियों से उनके घर जा रहे हैं, उनके बच्चों को, उनके सुहागों को आशीर्वाद दे रहे हैं, उनके संतानों को आशीर्वाद दे, तो जब पब्लिक भी जाचे और जो आते हैं उन्हीं से संपर्क में रहे और उन्हीं को दे जो अपने घर आते हैं। विजयनगर थाने में एक मामला जो हुआ, क्या मामला? ये विजयनगर थाने में ये हुआ कि विजयनगर के अंदर 50 छोकरे साड़ी पहन के रात बेरात वहाँ नाच गाना कर रहे, असीले हरकत कर रहे, आस पड़ोस वालों को तंग कर रहे। तो आस पड़ोस वाले हमको खुद बोले कि यहाँ पीछे भाड़े से किराए के मकान में रह के लोग इतना आतंक कर रहे हैं, तो फिर हम जाके उनको थाना ले गए।